हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ यहां मौजूद हैं मोहम्मद शारिम जो आरआर के नेट बॉलर हैं और इस टाइम कैंपस क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट शारिम। स्टार्ट करेंगे इस प्लेटफॉर्म से। एज अ यंगस्टर आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है ये प्लेटफॉर्म फॉर यंगस्टर टू प्रोवाइड दैट यू नो दैट ब्रेक एट द हाईएस्ट लेवल और एट अ ग्रेटर लेवल? बहुत अच्छा लगता है। अच्छे ग्राउंड पर क्रिकेट होती है, अच्छे प्लेयर्स के बीच होता है, तो काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस रहते हैं, अग्रेसिवनेस सब दिखाते हैं। मतलब अच्छा लगता है कि ऐसे टूर्नामेंट होते हैं कि हमारे इंडिया में ऐसे ही यहाँ से ही प्लेयर निकलते हैं, ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी अच्छा है और ग्राउंड भी अच्छा, सब कुछ अच्छा देते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा है आरबीसी। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्रिकेट कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से आप खेलते हैं, कैसे एज ग्रुप से कैसे आए, वो सब बताइए। मैं कानपुर से वैसे खेलता हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ, तो वहीं पे स्टार्ट किया था। यूपी क्रिकेट? हाँ, यूपी क्रिकेट। तो अभी तक खेला नहीं हूँ, कैंप वगैरह 19 का करा है। तो अब वहाँ से जब रेडबुल का एक स्पीडस्टर कॉन्टेस्ट होता है तो उससे ही मेरा उसमें हुआ था, आरआर में हो गया था जी। तो वहाँ से नेट बॉलर का भी हो गया था, तो 2021 में हुआ था पहली बार। तो उसके बाद इस साल भी मैं नेट बॉलर ही था, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस साल भी और पहले भी सीखने को मिला था। जैसे इस बार स्टीफन जोन्स ने काफ़ी कुछ कराया, ट्रेनिंग काफ़ी कुछ अच्छी हुई थी इस बार। और किस तरीके की ट्रेनिंग हुई थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या ड्रिल्स थे? फिटनेस ट्रेनिंग और पेस पे वर्क करना मेन चीज़ था, स्टीफन जोन्स का पेस पे वर्क करना। तो उन्होंने काफ़ी हम लोग का 15 दिन का कैंप लगवाया जिसमें टीम ट्रेवल कर रही थी, लेकिन हम लोग को कुछ बॉलर्स को रोक रखा था कि आगे मतलब ये यहाँ से नेट बॉलर्स कुछ ऐसे ही 5-10 ऐसे ही रुके थे। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग कराई, मतलब पावर स्ट्रेंथनिंग सब कुछ करवाया। फिर पे वहाँ से एक टेस्ट भी लिया, मतलब कितने बॉलर्स कितनी तेज फेंक रहे हैं, वो अपना प्रॉपर स्पीड गन से नापते रहते थे। तो आपको कितना हेल्प हुआ, कितने से कितने तक आए? उन्होंने मतलब काफ़ी एक उन्होंने बॉल रखी थी, हैवी बॉल लाइट बॉल सब, तो हैवी बॉल से भी काफ़ी अच्छा हुआ, बॉलर्स थे वहाँ पे तो उसमें लाइट बॉल जब फेंकवाया तो उन्होंने मेजर किया, 140 उसमें आ गई थी मेरी जी। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, उससे भी पेस में काफ़ी फ़र्क आया। अभी भी पहले 135 तक थी, अभी इस साल 137 के आसपास जा रही है पेस जी। तो आप राजस्थान रॉयल्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो नेट एज अ नेट बॉलर, वहाँ पे दे हैव सम रियली बिग प्लेयर्स, ठीक है, और स्पेशली अगर बॉलिंग की बात करें वहाँ ट्रेंट बोल्ट भी अब आ गए हैं, लसित मलिंगा उनकी मैनेजमेंट के अंदर हैं, कोचिंग स्टाफ के अंदर हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा है कि यार इतने बड़े प्लेयर्स जब आपके इर्द गिर्द होते हैं तो आपको एक बहुत एक मोटिवेशन डिफरेंट टाइप का मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा लगता है, जैसे मलिंगा हमारे वो यॉर्कर किंग है, वो यॉर्कर के बारे में उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कैसे बैट्समैन के माइंड को रीड करना, कैसे स्लोअर का यूज़ करना। और यहीं पे ट्रेंट बोल्ट, वो अपना टप्पे का ध्यान रखना, मतलब डेथ ओवर में कैसी बॉलिंग करना और स्विंग वगैरह सब देखना होता है। तो उन्होंने सब बातचीत हुई तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे भी। तो फिटनेस को कैसे चेंज किया, मतलब फिटनेस रजीम को कैसे आपने चेंज किया जब आपने नेट एज अ स्क्वाड ज्वाइन करा एज अ नेट बॉलर, तो क्या चेंजेस आए उस लेवल पे जाके आपकी फिटनेस रजीम्स के अंदर? मतलब उन्होंने जैसे स्टीफन जोन्स ने मैंने बताया था कि उन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग कराई, तो ट्रेनिंग में उन्होंने फिटनेस पे वर्क करा, फिटनेस मतलब रनिंग, उन्होंने बॉल कम डलवाई, फिटनेस वगैरह ज़्यादा करवाई थी, क्योंकि बॉलर्स का मेन मोटिव है फिट रहना, क्योंकि ज़्यादातर इंजरीज होती रहती फास्ट बॉलर्स को, तो उससे बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ बताया और सिखाया कि कैसे जिम में वर्क करना चाहिए, कैसे ग्राउंड में दौड़ फिटनेस करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कितनी स्प्रिंट मारनी चाहिए, कितना, क्योंकि आजकल वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही, कहीं ना कहीं वो वेट लिफ्टिंग पे भी आ रहा है, तो शायद कुछ बॉलर्स के लिए डिफरेंट हो, वो थोड़ा बताओ क्या किया। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि हैवी वेट ज़्यादा उठाने का, मतलब कम रेपिटेशन हैवी वेट ज़्यादा, तो उससे बॉडी बल्की भी नहीं होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सिर्फ स्ट्रेंथ पे वर्क करने को देते हैं वो, बल्की करने के लिए वो अगर रेपिटेशन ज़्यादा होंगे तो बल्की होगी बॉडी, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा इससे। और संजू सैमसन कप्तान, सीज़न बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था, फिर थोड़ा डिप हो गया और उसके बाद इवेंचुअली बाहर हो गए, वो होता रहता है, यू नो, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है, दैट्स हाउ द गेम वर्क्स एज वी से। तो लेकिन उनकी कैप्टेंसी और यार उनसे कोई ऐसी बातचीत आपकी हुई हो स्पेसिफिक आपके यू नो टैलेंट को लेकर या आपके बॉलिंग को लेकर के? वो मतलब संजू सैमसन क्या, वो तो बंदा ही बहुत कूल है तो वो कैप्टन में कैप्टनसी जैसे करते हैं, वो तो
उनको नहीं लगता कि कहीं पे प्रेशर में लगते हैं, उनकी कैप्टनसी भी काफ़ी मतलब सोच के करते हैं, काफ़ी अच्छे सही टाइम पे सही बॉलर्स को यूज़ करते हैं। और रही टैलेंट को देखना, तो वो देखते रहते हैं कोई अच्छा है तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं वो भी अपनी तरफ से जितना वो कर सकते हैं जी। ये थे शारिम जो हमारे साथ हमारे राजस्थान रॉयल्स के नेट बॉलर हैं, 3-4 साल से इसके सीजन में रह चुके हैं और होप करेंगे आप जल्दी डेब्यू करें राजस्थान रॉयल्स के लेवल। थैंक यू वेरी मच शारिम फॉर टॉकिंग टू अस, फॉर टॉकिंग टू क्रिकेट नेक्स्ट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।